नेक्स्ट स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे थे वो है एमी ऑर्गेनिक्स। कल बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं, कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स का इसमें नाम आया है। क्या बड़े ट्रिगर्स है इस वक्त कंपनी के लिए जिसके वजह से इतना इंटरेस्ट बना हुआ है स्पेस में, इस स्टॉक में पर्टिकुलरली, ये हमें सृष्टि बता रही है। सृष्टि बताएं। मॉर्निंग जी। एक मेजर ओवरहैंग जाता हुआ दिखा है एमी ऑर्गेनिक्स के लिए, जहाँ पे चुवाटिया फैमिली जिनका करीब 18% स्टेक था, उन्होंने हिस्सा बिक्री की है। कई समय से इसका एक ओवरहैंग बना हुआ था शेयर पे, जहाँ पे कल उन्होंने 12.5% की हिस्सेदारी अपनी बेची है। हालांकि 5% जो हिस्सा है कंपनी में वो अभी भी उनके पास है। पर इसके सामने अगर हम देखें कि कौन खरीदारी किए हैं एमी ऑर्गेनिक्स में, तो वहाँ पे कई सारे बड़े नाम सामने आते हुए दिखे हैं, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, एशिया फंड और साथ ही वैल्यू क्रेस्ट इन्वेस्टमेंट, इन्होंने 2% हिस्सेदारी खरीदी है। और साथ ही बोफा सिक्योरिटीज यूरोप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मालाबार इंडिया फंड, इन्होंने लगभग 1.5% हिस्सेदारी एमी ऑर्गेनिक्स में खरीदी है। तो इस ओवरहैंग के जाने के बाद इतने बड़े क्लाइंट्स का आना और हिस्सा खरीदना ही बड़ी बात है। और साथ ही साथ अब आपको बता दें कि रिसेंटली क्या ऐसे कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं जिसको लेकर काफी बुलिश हैं ये सारी कंपनीज। तो सबसे पहले कल ही कंपनी ने अनाउंस किया कि बैटरी सेल इलेक्ट्रोलाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ये, जहां पे ये इलेक्ट्रोलाइट जो ईवी की बैटरीज है उसको बनाने में काम आएगा। और साथ ही कंपनी इसके लिए 300 करोड़ रुपए का एक निवेश भी करेगी। इसके अलावा फर्मियोन एक फिनलैंड बेस्ड कंपनी है, जहां पे जो कि ये एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बिजनेस है इनका, उसके साथ इन्होंने कई सारी डील्स अनाउंस की हैं। और कुछ ही समय में ये जो सारी डील्स जो इंटरमीडिएट फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स के लिए जो इन्होंने की है, उनके जो रेवेन्यूज हैं वो भी हमें नंबर्स में आते हुए दिखेंगे। और आखिरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी कंपनी ने एंट्री ली है, जहां पे 55% स्टेक इन्होंने बाबा फाइन केमिकल्स में लिया है, जो कि ऐसे केमिकल्स बनाती है जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे नीश एरियाज में एमी ऑर्गेनिक घुसने की पूरी प्रिपरेशन करके रखी है। और आने वाले समय में एनालिस्ट का मानना है कि नंबर्स के फ्रंट पे जितनी अभी चिंताएं थी वो सेकेंड हाफ में जो नंबर्स हैं इस फाइनेंशियल ईयर के वो बेहतर आते हुए दिखेंगे फर्स्ट हाफ के मुकाबले। ऑल राइट, क्वाइट इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट सृष्टि, आपने ये बताया जो ये बैटरी सेल्स में मैन्युफैक्चरिंग होगी वो एक शायद सेगमेंट है जो काफ़ी एक्साइट भी कर रहा है स्ट्रीट को, जिसके चलते आप बड़े बड़े बायर्स की लिस्ट देख रहे हैं इसमें जो कल ब्लॉक्स हुए हैं, ब्लॉक्स लगे। और अब आप नोटिस करेंगे तो केमिकल स्पेस में कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पर ब्लॉक्स लग रहे हैं। आपको केमप्लास्ट याद होगा, वहां पर बाइंग आई थी, आर्चन केमिकल में बाइंग आई थी, अब एमी ऑर्गेनिक्स में भी आपको कल अच्छे ब्लॉक्स देखने को मिले हैं। ये जो एक हैंगओवर था प्रमोटर्स का 12.5% निकला है, कई सारे इसके रीजंस भी हैं। तो क्या यहां से और फर्दर मोमेंटम के लिए एक बार नज़र बनानी चाहिए? जो शेयर होल्डर थी सेलिंग चुवाटिया फैमिली, उन्होंने लगभग 12.5% ब्लॉक डील में कल भेजे हैं, और बायर्स के नाम में कई मार्की नेम्स हैं, बोफा, गोल्डमन सैक्स, ऐसे प्रूडेंशियल, मालाबार इंडिया, इन सब ने यहाँ पर लगभग 3-4% स्टेक खरीदा है। और इन्वेस्टर इस वक्त जो बुलिश हो रहे हैं, तो क्या रिटेल इन्वेस्टर को भी एक बार इस स्टॉक पर नज़र बनानी चाहिए? अक्षय, एमी ऑर्गेनिक्स से चार्ट चेक करें। जी बिल्कुल, कल बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है, जो लिस्ट होने के बाद आई थिंक इट्स द सेकंड टाइम कि इतना बड़ा वॉल्यूम्स देखने को मिला है 1080-109 के स्तर पे। तो ये वॉल्यूम्स जो है एक सपोर्ट बेस पे बना है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है ट्रेडिंग के हिसाब से। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ट्रेडिंग के हिसाब से ये शेयर आप बाय करके चले। ऊपरी स्तर में 1360 तक आपको टारगेट बनते हुए दिखेंगे। टाइम होराइजन शायद आपको 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन का बनी मैक्सिमम इसमें। तो 1080 सपोर्ट, टारगेट 1360, और मैं पॉजिटिव व्यू मेंटेन करूंगा एमी ऑर्गेनिक्स में। ठीक है।